हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक नए वीडियो में। आज देखिए, पैसे बताया आपको 22 जुलाई से पहला सोमवार लगता है और यहाँ पर देख सकते हो कांवड़ियों की कितनी ज़्यादा भीड़ आपको देगा। ये देख सकते हो कलश कांवड़ की बांधने की तैयारी। यहाँ पर देख सकते हो भाइयों, गंगा जी में जल कितना सूख चुका है, कितना कम कर दिया गया है। इसका रीज़न ये है कि भाइयों, दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं और यहाँ पर किसी को किसी प्रकार की हानि ना हो। और अभी हम खड़े हर की पेड़ी पर और यहाँ पर देख सकते हो कितना नज़ारा किस तरीके से है। और ये देख सकते हो भाई कितनी सुंदर कांवड़ है आपको दिखाई दे रही। तो हर हर गंगे नमामि गंगे। दोस्तों नमस्कार, दोस्तों स्वागत है एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। आज हम आपको दिखाएंगे हर की पेड़ी से लेकर विष्णु घाट तक कांवड़ मेला। और यहाँ पर देख सकते हो कितनी ज़्यादा सुंदर आपको कांवड़ दिखाई दे रही हैं। तो फाइनली दोस्तों हम चल रहे हैं, हम इस समय खड़े हैं विष्णु घाट पर। वो आप देख सकते हो विष्णु घाट का जो नज़ारा है किस तरीके से आपको सामने गंगा जी दिखाई दे रही हैं। और यहाँ पर देख सकते हो कांवड़ों की लाइन लगी हुई है, एक प्रकार से आप मान लो कांवड़ों की सजी हुई है एकदम डोली बारात। क्योंकि ये दोस्तों कलश कांवड़ है, अभी उठाएंगे पहले सोमवार को या पहले संडे को उठा लेंगे। और काफ़ी दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं, जैसे कि आपको पता दिल्ली, यूपी, हरियाणा, राजस्थान, बिहार, पंजाब, सभी दूर दूर से हरिद्वार आते हैं श्रद्धालु। और हम चलेंगे पूरे घाटों का पूरा नज़ारा आपको दिखाएंगे दोस्तों, किस तरीके से तैयारी करते हैं सारी कुछ। चलिए दोस्तों चलते हैं हम अभी हाथी पुल की तरफ और दिखाते हैं आपको नज़ारा पूरा विष्णु घाट से लेकर हाथी पुल का। और उसके बाद चलेंगे हम दोस्तों हर की पेड़ी पर। तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि जो भी हरिद्वार आ सकता है उसको पल पल की अपडेट आपको मिलती रहे। देख सकते हो भाई कितनी सुंदर भोले जी की कांवड़ है। और जैसे इसके पीछे देख सकते हो जल बांध रखा है और यहाँ कुर्सी पर भोले जी को बैठा रखा है। और ये देख सकते हो भाई, ये चश्मा भी लगा रखा है, एकदम सुंदर मस्त भोले जी दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों चलते हैं आगे, इसी तरह की अनोखी अनोखी कांवड़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी सावन के मेले में। क्योंकि सावन के मेले में ज़्यादातर दोस्तों बहुत सुंदर सुंदर कांवड़ देखने को मिलती हैं। और ये देख सकते हो भाई कितनी अंदर अंदर जाके भोले स्नान करते हुए आपको दिखाई दे जाएंगे हर की पेड़ी पर। और देख सकते हो यहाँ पर कितना सुंदर दृश्य आपको हरिद्वार का इस समय दिख रहा होगा। जैसे कि आपको पता है कि पहला सोमवार लग चुका है भाइयों, तो देख सकते हो किस तरीके से। अब चलते हैं हम भाइयों, यहाँ पर हैं अभी हम विष्णु घाट पर, चलते हैं हर की पेड़ी पर और आपको पूरा नज़ारा पूरा दृश्य दिखाएंगे किस तरीके से सारा कुछ। तो बने रहना दोस्तों लास्ट तक वीडियो पर, नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करना दोस्तों। ये देख सकते हो जल की मात्रा बहुत ज़्यादा कम कर दी गई है, क्योंकि दूर दूर से बच्चे भी, जवान, बूढ़े सभी प्रकार के श्रद्धालु आते हैं यहाँ पर, किसी को कोई प्रकार की हानि ना हो इसीलिए जल की मात्रा कम कर दी गई। पीछे से बांध से फाटक में से जल रोक दिया गया है। और यहाँ पर देख सकते हो भाई कितनी ज़्यादा संख्या में आपको भक्तगण दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हो भाइयों, श्रद्धालुओं की भीड़ आपको पूरी मिल जाएगी हरिद्वार में इस समय। कम से कम आज 10 लाख से ज़्यादा श्रद्धालु हरिद्वार में आए हुए हैं 22 जुलाई के दिन। जैसे कि आपको पता है पहला सोमवार लग चुका है। चलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में आपको नीलकंठ के भी दर्शन कराएंगे, सारी कुछ जानकारी देंगे। देख सकते हो दोस्तों अभी हम आ गए हर की पेड़ी के पास, जो पुल है पुल से पार करते हुए हम चलेंगे अभी हर की पेड़ी पर। और ये देख सकते हो गंगा जी का सुंदर दृश्य आपको, पूरा नज़ारा आपको यहाँ से दिखाई दे जाएगा पूरा हरिद्वार का। और इस पार देख सकते हो जल कितना कम है श्रद्धालुओं को आने के लिए। ये पूरा पुल ऊपर तक टॉप तक भरा रहता है यहाँ तक, ये देख सकते हो इस लाइन तक दोस्तों पूरा जल बहता है। आज मैंने पहली बार इतना गंगा जी में इतना कम जल देखा मैंने अपनी लाइफ में, कि आज मैं आपको भी दिखा रहा हूँ इतना कम जल गंगा जी में आता हुआ पहली बार देखा। इसका रीज़न ये हो सकता है दोस्तों कि लोग आते हैं, बच्चे आते हैं, बूढ़े आते हैं, सभी पर किसी को कोई प्रकार की हानि ना हो इसीलिए शायद जल कम कर दिया गया है। और यहाँ पर देख सकते हो पूरी हर की पेड़ियाँ आपको मिल जाएगी देखने के लिए। ये देख सकते हो भाइयों कितनी ज़्यादा भीड़। ये देख सकते हो कांवड़ लेकर जाए, डाक कांवड़ की तैयारी हो रही है दोस्तों ले जाने की। और यहाँ पर पूजा पाठ करते हुए आपको भक्तगण मिल जाएंगे, इसी तरीके से पूजा करते हैं। और एक पैर गंगा जी में रहता है जल के अंदर, सभी को हाथ एक दूसरे का पकड़े रहते हैं डाक कांवड़ में। इसी तरीके से डाक कांवड़ की पूजा होती है, जब तक डाक कांवड़ शुरू नहीं होते थे एक पैर में गंगा जी में ही खड़े रहते हैं, चाहे टाइम कितना भी लग जाए दोस्तों। तो भाइयों मिलते हैं अगली कोई नई जानकारी, सर कमेंट में वार लिख दीजिए। हर हर महादेव दोस्तों, जय श्री राम।